तकरीबन 5 बजने वाले हैं और बेगम साहिबा जो है ना किचन में मसरूफ हैं, आज जल्दी कुछ बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या? ये थोड़े से चावल के बचे हुए। इधर क्या है? ये क्या रंग कलर वाले? हाँ। मीठे बना रही है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, भूख लगी खड़ी है, थोड़े दिन चावल बच्चे प्यान बेगम साहिबा के इन्हें को बना दे जल्दी जल्दी खा गिन। शाम को चरहार करे सोमवार, यानी कि शाम को सालन बनेगा। ठीक हो गया जी, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा बेगम साहिबा, हमारा कल का विभाग जो था ना, उसमें कुछ इतराजात आए हैं, आपको मालूम है? हाँ, ये बात तो सही है, कमेंट्स तो मैंने पढ़े हैं। नसीम अहमद साहब को भी वीडियो पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है, आपने शुक्रिया अदा किया है। आप पूछना था तो नसीम अहमद से, और एक और जी के नाम से कमेंट्स है, जी आई एन है या ऐसे है, उनको भी पसंद नहीं है। वो क्यों? और शायदा ने जवाब दिया है कमेंट्स में, शायद उन्होंने उनको ही मेरे ख्याल में जवाब दिया है। तो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर करे, क्या वजह क्यों पसंद नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। हम तो अपने घर का व्लॉग ही बनाते हैं, बाहर तो जाते नहीं है। हमारी इतनी उम्र है, हम और क्या करें। हाँ, 50 ईयर्स ओल्ड है बेगम साहिबा और 50 ईयर्स ओल्ड मैं भी हूँ। हम दोनों जवान तो नहीं है कि हम बाहर जाके कोई व्लॉग आपको बना के दिखाए। तो टेम्परेचर 50 डिग्री है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, वैसे भी बहुत मुश्किल है। तो आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। जो हमसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज नहीं हैं, बिल्कुल नाराज नहीं हैं, लेकिन बनता है हमें बताने का। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम उनसे कहेंगे कि आप जो है ना प्लीज मेहरबानी करके कमेंट्स जो है ना वो चैनल पे असरअंदाज होते हैं। हाँ। आप लाइक्स कर दिया करें, वीडियो ना देखा करें, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए वो देख लिया करें, जो आपको पसंद ना आए वो आप ना देखा करें। तो कमेंट्स करने से यह चैनल पे असर होता है, व्यूज नहीं आते, और इससे हमारा प्रॉब्लम है। लाइक कर दिया करें या वीडियो लगा के छोड़ दिया करें, तो इतना तो भला आप कर सकते हैं ना। देखते हैं बेगम साहिबा की कलरदार चावल कैसे बनते हैं। सादा किस्म के बड़े दे पे वे, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ही कलर है। और देखते हैं देगों में तो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल होते हैं बेगम साहिबा, तीन तीन चार चार शहजादे भी पहुंच चुके हैं, और दोनों ने चिट्टे कपड़े पहने हुए हैं, वाइट वाइट कलर, हम इन्हें चिट्टे बोलते हैं। क्यों बेगम साहिबा? धुआं है अंदर मेरा सांस भी। अच्छा, इनको बताया क्या बना रही हूँ? साकिब साहब क्या बन रहा है देख के बताओ। चलो, हाँ, जुमा सबको मुबारक। क्या है ये? बूझो तो क्या इसमें क्या डाला है बेगम साहब ने, वो चेक करो ना। ये हलवा सूजी का? नहीं 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 नहीं, मीठे चावल है। यस। अच्छा, जिन्होंने भी जुमा का मुबारकबाद दी है, हमारी तरफ से खैर मुबारक। आज जुमे का दिन था और अंदर धुआं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। इसको आज सरसों का तेल लगाया है, इसके सींग जो है ना खुश्क हो जाते हैं, तो जब भी इसको ये जिद कर रही है। अभी दलिया इसके करीब आ गया है ना, ये देखो, ये लड़ेगी अब मुझसे। चल, तो जब भी मैं नहलाता हूँ ना इसको, एक तो चिचड़ दूर हो जाते हैं, दूसरा इसकी सर की खुश्की दूर हो जाती है। तो दोनों शहजादे भी मेरे पास आ गए हैं, बाहर साय में हमने चारपाई डाल दी है क्योंकि भूख लगी हुई है तुम्हें। मुझे भी चावल देख के ना थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है। अच्छा, पूछते हैं उनसे थोड़ी देर में। हाँ, बेगम साहब बना रही हैं, मसरूफ हैं, तो उनको भी साय में बुला लेते हैं थोड़ी देर। माशाल्लाह से बेगम साहब ने कमाल कर दिया है, और ग्रीन ग्रीन चावल हमारे पास पहुंच चुके हैं। किसी ने ठंडे कर लिए हैं, मैंने अभी ठंडे करने हैं मेरे ख्याल में। क्यों बेगम साहब?
और बेगम साहबा भी पहुंच चुकी हैं हमारे पास। बहुत ही अच्छे बने हैं। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जबरदस्त। भिंडियां काट रही हैं। उधर अंधारी आ गई है, आपको पता है? असा अंधारी से लेने अपनी जबान अंधारी आंधी पी है। बेगम साहब उठो, यानी के आंधी पहुंच आई। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या कर रहे हो ऊपर, देख रहे हो? ये देखो जी, सूरज भी नजर आ रहा है और आंधी भी तेजी से सफर करती हुई। बेगम साहब को बोलते हैं जल्दी से चारा काट लें। अच्छा, ये बच्चियों को दे, जल्दी से चारा काट लें। हाँ, आंधी आ गई है ऐसे समझ लें, तो ये वो काट लेंगी, हम अपना काम कर लें, ठीक है ना? ठीक है। ये आप भी देख सकते हैं, आंधी पहुंच आई है, हम भी वापस पहुंच आए हैं और हमने चारा जानवरों को डाल दिया है। अच्छा, आंधी ने आधा घंटा टाइम हमें दे दिया था, तो पानी में मिट्टी जाएगी, जल्दी से इसको पी लें। जोर से आंधी के झोंके चलते हुए ये देखिए, आगे गेट की तरफ भी और दरख्त भी हिल रहे हैं, मिट्टी भी उड़ी हुई है, तो जिस चीज़ का इंतज़ार था बिलाकर पहुँच जाएगी। होने वाली है और स्पीड जो है हवा की वो अच्छी खासी है, ये साइड में भी, और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, बादल भी नज़र आ रहे हैं पीछे, शायद यहाँ से दूर कहीं 100-150 किलोमीटर पीछे डेरा गाजी खान या डेरा सुहेल खान, वहाँ पर बारिश हुई हो तो ये वहाँ से आंधी, पहाड़ी सिलसिले से आंधी बन के आती है हमारे पास। इधर खेत में पानी भी लगा हुआ है, तो मौसम ठंडा हो चुका है। आज के ब्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ को जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे, आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह तआला उनकी सेहत अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह तआला नेक और सेहतमंद औलाद के, जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह तआला उनके दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह तआला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्त वाले ज़िंदगी दे। तो इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।